नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लविशा गोयल और आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज चैनल। आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध भजन गायक लखवीर सिंह लखा जी। आइए पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। अब हम इनसे इनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आपने अपनी भजन गायकी की शुरुआत कहाँ से की? मेरा जमशेदपुर में जन्म हुआ, टाटा नगर, जो पहले बिहार था, अब झारखंड। वहीं पढ़ाई लिखाई वहीं हुई और स्कूल से ही गाने का शौक था। मैं प्रेयर करता था, लता जी का एक भजन था उस समय, बहुत सुंदर भजन था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इसे मैं लीड में गाता था, सारे बच्चे मेरे साथ गाते थे। गाते गाते मिडिल से हौसला बढ़ा, मैट्रिक में आए, मैट्रिक से फिर और हौसला बढ़ा, क्यों सरस्वती पूजा के अवसर पर मैंने आरडी टाटा हायर सेकेंडरी स्कूल में एक देशभक्ति गीत गाया, उस समय बड़ा चला था, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो उस समय स्टूडेंट तो खुश हुए, टीचर सब बहुत खुश हुए और वहाँ से मैं फिर आगे बढ़ा, फिर ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, कुछ दिन फिल्मी गाने गाए। पर मेरा जो चेंजिंग हुई मेरे जीवन में, वो मैं 78 में भोलेनाथ जी की नगरी गया, बाबा बैद्यनाथ, वो अब झारखंड में है, पहले बिहार में था। तो वहाँ कांवड़िया समाज हमारा था जमशेदपुर में, उनके साथ में गया और उनकी देखा देखी मैंने भी कांवड़ उठा ली और फिर महादेव जी की ऐसी कृपा हुई कि 9 साल तक लगातार मैंने नंगे पैरों कांवड़ चढ़ाया, शायद इसी का ये फल है। और जीवन वहीं से चेंज हुआ, भजनों से ज़्यादा लगाव हुआ, गाया मैंने सब कुछ है पर अब ज़्यादा मेरे को भजन गाने में ही आनंद आता है। शुरू से ही हमारा गुरुद्वारा साहब में हम शब्द कीर्तन भी करते थे, राधे कृष्ण के मंदिर में हम भजन भी गाते थे, तो भजनों से ज़्यादा लगाव है मैं। आपके परिवार में कौन कौन है और किसने आपको इस क्षेत्र में आगे जाने के लिए प्रोत्साहन दिया? वैसे तो परिवार में मेरी धर्मपत्नी है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और सारे कलाकार हैं। और माता पिता बड़े संस्कारी थे, बड़े धार्मिक थे और उन्होंने कभी मुझे रोका भी नहीं, चाहे मैं फिल्मी गाने गाऊं या धर्म शब्द कीर्तन गाऊं। ज़्यादा पिताजी का प्रोत्साहन मेरे को ज़्यादा मिला वैसे। और वैसे हमारे परिवार में कोई इससे पहले कोई सिंगर हुआ नहीं और ये मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा हुई और उन्होंने मुझे सुर बख्शा। बाकी जो भी मुझे मेरे को आता है मैं उसे ही आम गाता चला आ रहा हूँ आज तक और लोगों का अच्छा आशीर्वाद मिला मुझे। आप पहले एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, तो वहाँ से काम छोड़ के इस फील्ड में एकदम से कैसे आना हुआ? टाटा स्टील में मैंने सर्विस की, 81 में ज्वाइन किया, 99 में मैं जब 95 में टी सीरीज मेरे को बम्बई ले गई और फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप यहीं आ जाइए, आपको हम यहाँ सेट कर देंगे। 99 में फिर मैं रिजाइन दे के मेरा मन बन गया, तो मैं बम्बई परिवार के साथ शिफ्ट हो गया, जहाँ दाना तहाँ खाना। अब आप फिल्मी जगत में आ रहे हैं, तो अब आपकी कौन सी मूवी आ रही है? फिल्मी जगत में मेरा आने का तो बहुत पहले से ही है, फिल्मों में मैंने गाया भी, 1-2 फिल्म में मैंने गाया, बाद में मेरा दिल नहीं माना। अब मैं उत्तराखंड में टनकपुर के पास माँ पूर्णागिरी का दरबार है, शायद दर्शकों ने भी देखा हो, और या मेरी ये प्रार्थना कि ज़रूर एक बार दर्शन करके आए, माँ का सिद्ध दरबार है वो। तो वहाँ से हमारे 2 चाहने वाले हैं, राजेश गुप्ता जी खन्ना मूवीज़ के नाम से जो काम कर रहे हैं, और सरदार जोगिंदर पाल सिंह जिन्होंने टी सीरीज की मेरी बहुत सारी कैसेट्स VCD वगैरह बेची। तो उनका नानक मत्ता के रहने वाले हैं वो, बाबा नानक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है वो, तो उन्होंने मुझे ये समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे ज़्यादा दबाव डाला कि हम माँ पूर्णागिरी पर फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप हमें सहयोग करें या गाइड करें। तो मेरे को वैसे फिल्म बनाने का और कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको यह कहा कि मैं पूछ के आपको बताऊँगा। तो फिर हमारे मेजर डायरेक्टर जो हमारे एल्बम्स CD VCD में जो
म्यूज़िक देते थे दुर्गा नटराज, उनमें दुर्गा जी भोजपुरी फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं और उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। उनसे मैंने राय ली, जब इनको खन्ना जी को बुलाया मैंने बम्बई, उनसे मिलाया जोगिंदर पाल सिंह जी को, और इन्होंने धार्मिक फिल्म बनाने का मन बनाया और फिल्म तो अच्छी मेहनत हुई, अच्छी फिल्म बनी है। और इसी नवरात में, चैत्र के नवरात 2019 में उसे रिलीज़ करने का मन है, पर एक प्रॉब्लम सामने आ रही है कि धार्मिक फिल्म जो है वो लोग जो हैं वो आज के युग में पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे चाहने वाले वो एक फिल्म को एक बार ज़रूर देखेंगे। उसमें मेरा छोटा बेटा राजदीप गिल मेन एक्टर है, गजेंद्र जी चौहान है उसमें, जयश्री टी जी हैं और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें, और उसमें मैंने खुद रोल भी किया है, माँ के दो भजन मैंने गाए हैं, मैंने और साधना सरगम जी ने, एक मेरा अकेले का है और एक साधना सरगम जी के साथ में है, और एक मैंने सूफी भजन गाने की कोशिश की है। यूँ तो सूफी सब गाते हैं पर इसमें कुछ अलग रंग है। मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि एक बार ज़रूर देखें वो, और ताकि मेरे को प्रोत्साहन मिले, वरना आज का युग आप जानते ही हैं कि धार्मिक फिल्मों का दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इसे मान देंगे, ज़रूर एक बार देखेंगे। माँ पूर्णागिरी ये फिल्म बिल्कुल रेडी है और नवरात में इसे रिलीज़ करेंगे। तो उस मूवी के एक भजन को कुछ आप कुछ पंक्तियाँ सुनाइए। उसमें एक परिवार की कहानी है जिसमें दादा दादी जो हैं वो माँ के पक्के भक्त हैं, यूँ तो बेटा भी है पर बहू रानी के साथ वो चलता है ज़रा ज़्यादा, और पोता जो है वो बिल्कुल दादाजी पर और दादी पर गया है, पक्का धार्मिक है, उसे पूरा विश्वास है। और इसमें जो ज़्यादा उनके परिवार को लेके जो भजन मैंने बनवाया और गाया, वो उनको एक माँ की मन्नत थी कि सोने का छत्र हम चढ़ाएंगे, तो किसी कारण वो उस मन्नत को भूल गए। तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि या तो मन्नत मांगिए मत, और या मांगिए तो उसे याद रखिए और पूरा कीजिए, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं जीवन में, जैसा कि इसमें दिखाया गया। तो उसमें जो मेन भजन है वो माँ पूर्णागिरी का है कि माँ हम तुम्हारे लिए सोने का छत्र लाए हैं, हमारे कुल की तुम आन बान शान हो। इस भजन को मैंने और साधना सरगम जी ने गाया, मैं दो लाइनें आपको सुनाता हूँ। हमारे कुल की आन बान शान तुम हो माँ जगदम्बे, हमारे कुल की आन बान शान तुम हो माँ जगदम्बे, दयामयी करुणामयी तुम हो मैया जगदम्बे, दयामयी करुणामयी तुम हो मैया जगदम्बे। हम लाए सोने का छत्तर, हम लाए सोने का छत्तर, आस हमारी पूरी करी तेरी लीला अपरंपार, जय हो माँ पूर्णागिरी तेरी लीला अपरंपार।